पब्लिक टीवी आपकी आवाज। प्रदेश सरकार में लोक जनशक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में प्रदर्शन किया और विरोध जताया। आम आदमी पार्टी के द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन भेज जल जीवन मिशन की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। हालांकि आम आदमी पार्टी मुरादाबाद ने अनोखा प्रदर्शन किया है और सभी ने हाथों में मटका लेकर विरोध जताया। दरअसल आम आदमी पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी सरकार के जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह पर हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया गया है। प्रदर्शन करते हुए सभी ने कलेक्ट्रेट पर मटकी फोड़ी और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में हस्तगत कराया। कहा गया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का काम रश्मि मैट्रिक्स कंपनी को दिया गया, जिसे मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल के साथ साथ सेना के द्वारा भी गुणवत्ता में कमी और भ्रष्टाचार के मामले में ब्लैक लिस्टेड किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ही उत्तर प्रदेश में पाइपलाइन बिछाने का काम दिया गया, जिसके पाइपों की गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब है और इस मामले में हजारों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। राज्यपाल को भेजे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखिए, आज आम आदमी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये मटका फोड़कर योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। वो इसलिए किया है कि योगी सरकार की जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है, जिसमें एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, जिसके पाइप जो है वो बेहद घटिया क्वालिटी के हैं और किसी भी रूप में मानकों पर खरे नहीं उतरते, उसको पाइप सप्लाई करने का ऑर्डर दिया गया है। जो रश्मि नाम की एक कंपनी है, रश्मि मेटलेस, वो ऑलरेडी कई राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है, उसी को ये इसका पाइप सप्लाई करने का ठेका दिया गया, जिसमें 30,000 करोड़ का घोटाला किया गया। और ये घोटाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो सबसे करीबी मंत्री हैं महेंद्र सिंह, ये उनकी देखरेख में किया गया, क्योंकि जल जीवन मिशन का सारा कार्य वो ही देख रहे हैं। तो कौन जी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के प्रभारी नहीं। देखिए, हमने जो है आज मटके घर से लाकर, मटके फोड़कर योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है, क्योंकि कभी हम उन्हीं मटकों में पानी भर भर कर लाते थे, पानी की बहुत किल्लत थी, और आज भी योगी सरकार ने ये घोटाला करके, भ्रष्टाचार करके पानी की किल्लत पैदा कर दी है, क्योंकि घटिया अगर पाइप होंगे उस योजना के अंतर्गत तो लोगों तक पानी नहीं पहुँचेगा बल्कि बीमारियाँ पहुँचेंगी। इसीलिए हमने वो मटका फोड़कर योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है।